खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां पर आंध्र प्रदेश में अबोध बालिका के साथ हुए दुष्कर्म को लेकर बावसार समाज ने सौंपा ज्ञापन। विगत दिनों 6 फरवरी को आंध्र प्रदेश के कर्नूल टाउन के पास रहने वाली 7 वर्षीय बालिका के साथ राक्षसी प्रवृत्ति एवं दुष्कर्म उसी क्षेत्र में रहने वाले शेख खाजा पिता करीम मियां उम्र 45 वर्ष द्वारा किया गया था। इस घटना के विरोध स्वरूप बुधवार को बावसार क्षत्रिय समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर देश के राष्ट्रपति, महामहिम व साथ ही साथ प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर, फरीद मंसूरी के साथ। दांतों से काटा गया एवं घायल किया गया, उसे पूरी तरह बदन उसको पूरी तरह जख्मी कर दिया गया। एक पुल से नंगी मासूम कली को रौंदा डाला। इस घटना पे FIR दर्ज 6 फरवरी 2020 को कर्नूल टाउनशिप पुलिस थाने में दर्ज की गई है। बताइए मैडम, क्या मामला है? यहाँ पर आप कलेक्टर मैडम के पास आए हैं, क्या मामला है बताइए। हमारे पहले तो मैं भावसर समाज क्षत्रिय समाज से आई हूँ। हमारे यहाँ समाज की कर्नूल गांव की एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और हम उसके लिए ज्ञापन देने आए हैं, उसकी सजा की गुहार करने आए हैं। उसकी की उम्र केवल 7 साल की है और जो नराधम है, जिसने ये अपराध किया है, वो 45 साल का है। हम चाहते हैं उसे फांसी की सजा मिले। आए दिन ये जो बलात्कारी बढ़ते जा रहे हैं, शासन प्रशासन से आपका क्या कहना है? शासन कुछ करता ही नहीं है। शासन से तो निर्भय शासन से यही कहना है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो भी अपराधी हो, किसी भी समाज की बालिका के साथ ये हो, मगर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सोल्यूशन नहीं निकला, निर्भया कांड का अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला और ये दूसरी कन्या फिर खड़ी हो गई। हम तो पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है, पूरी भावसा क्षेत्र समाज ऑल इंडिया में, जहाँ जहाँ छोटे छोटे गाँव से लेके बड़े बड़े शहरों तक ये ज्ञापन जा रहा है। हमारे समाज के इंदौर, खरगोन, कुक्सी, बड़वानी, साजापुर, सभी जगह से ये ज्ञापन ऑल इंडिया में, जहाँ जहाँ भावसार है, हाँ विरोध प्रदर्शन।